गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ ऑसम सा ये लुक जो कि डे टाइम लुक होने वाला है। जेमने कि आपनारा सबाई जानें दुर्गा पुजो आसछे, तो दुर्गा पुजो अपनी ये लुकटा ट्राई करते पारें। एंड या सो ये लुक जो होने वाला बहुत ही सिंपल सा एलिगेंस सा लुक है जिसे आप डे टाइम भी वेयर कर सकते हैं। बिल्कुल मैट लुक होने वाला है। सो चलिए फिर देख लेते हैं ये लुक आप कैसे अचीव कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर चुकी हूँ। अब मैं एक टोनर यूज़ कर रही हूँ, ये है गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर। इससे पहले एक टी ट्री टोनर था, वो भी बहुत अच्छा था और ये भी बहुत ही अच्छा है। तो इसे मैंने स्प्रे कर लिया अपने फेस पे और इसे थोड़ा सा ड्राई हो जाने देंगे, तो थोड़ी देर के लिए हम अपने फेस को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैं बॉडी एवेन्यू का विटामिन सी हाइलोरिक एसिड है जिसमें ये सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग सीरम है गाइस, ये करीबन मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और मेरे फेस में बहुत ज़्यादा ग्लो आया है। और सीरम लगाने के बाद हम हल्का सा अपने फेस को मसाज करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। इससे क्या है, हमारा फेस लिफ्ट थोड़ा सा लगेगा। सो या सबसे पहले जब तक कि सीरम एब्जॉर्ब होता है, हम अपने आईब्रोज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और ये पेंसिल का मैं आपको नहीं बता सकती बिकॉज ये लोकल स्टोर से मैंने लिया था, मार्केट से। सो यहाँ पे पेंसिल यूज़ करने के बाद मैं अपने आईब्रोज़ के जो हेयर्स है उसको अपवर डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन के हेयर्स हैं उधर मैं कोम कर लेती हूँ एक हल्का सा। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइज़र, वन ऑफ द फेवरेट मॉइस्चराइज़र गाइस। सो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। थोड़ा सा लेने पर पूरे चेहरे पर स्प्रेड हो जाता है, थोड़ा कॉस्टली है बट अच्छा है। सो अभी जो मेरा फेस है उसमें मॉइस्चराइज़र अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है। सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक मेकअप रेवोल्यूशन का रिलोडेड पैलेट है, इसमें मैं 2 शेड को मिक्स कर रही हूँ, देन आईब्रो को फिल कर दे रही हूँ। और यहाँ पे आज मैं मेकअप करने वाली हूँ सीसी क्रीम लैक्मे 925। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, ऐसे डॉट डॉट कर लिया मैंने फेस पे एंड हैंड से ब्लेंड कर रही हूँ। सेम एक्चुअली सीसी क्रीम को ना मुझे हाथ से ब्लेंड करना ज़्यादा बेटर लगता है कम्पेयर देन स्पंज के, और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एज़ यू कैन सी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है गाइस। देन मैं एक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड आई थिंक मीडियम बेज 03। तो इससे मैं जो मेरे आई वैक्स है वहाँ पे, देन आईब्रो को थोड़ा शार्प दिखाने के लिए वहाँ यूज़ कर रही हूँ फॉरहेड पे एंड हाइलाइटिंग एरिया। एक्चुअली ये हाइलाइटिंग कंसीलर है नहीं, ये मेरे स्किन टोन से ही मैच करता हुआ कंसीलर है, एक हाइलाइटिंग कंसीलर। मैं बहुत जल्दी इसी शेड कर लूँगी जो कि रहेगा सैंड स्टेबल। इससे मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से इसे अपने आईज़ वगैरह में कंसील कर ले रही हूँ। सो देखिए पूरा ड्यूई सा आ गया है लुक। सो इसे हम सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट, वैसे ये मैट लुक होने वाला है, इसे मैं पूरे फेस को मैं कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। ये कॉम्पैक्ट मैंने लोकल मार्केट से लिया था। अब मैं आई मेकअप करने वाली हूँ एस एफ आर के हेटेड विथ लव आई शेडो पैलेट से। इसमें मैं एक ऑरेंजी सा शेड पिक की हूँ और इसे ऑल ओवर द क्रीज, मतलब ऑल ओवर द आई लीड में लगाने वाली हूँ। अप्लाई कर देंगे हम, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से हम इसे अप्लाई कर देंगे। तो दोनों आँखों में मैंने अप्लाई कर दिया है। देन ये एक रस्टी सा शेड है, रेड रस्टी शेड, इसे मैं इस टाइप के स्मॉल फ्लफी ब्रश के हेल्प से आउटर वी पे इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ। सो ये मुझे मिल गया अपना डिज़ायर शेड। मैं ये ग्रीन कलर लेने वाली हूँ और इसे मैं अप्लाई करने वाली हूँ सिमरी ग्रीन कलर। एंड ये जो ब्रश है वो डबल शेडेड ब्रश है, तो वैसे ये ब्रश के हेल्प से अच्छे से नहीं हो रहा था, मैंने हैंड अपने फिंगर के हेल्प से ही इसे अच्छे से आईलिड पे प्लेस कर दिया है, अपने जो इनर कॉर्नर है उसे बस छोड़ के सेम ब्रश लूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई भी ऐसे सेपरेट लाइन ना दिखे। मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है उसी पैलेट का एंड इसे मैं थोड़ा सा एज अ आईलाइनर मैं यूज़ की हूँ, थोड़ा विंग क्रिएट किया है मैंने। सो यहाँ पे मैंने सेम रस्टी रेड कलर लिया है और इसे रोल लेस लाइन में अच्छे से स्मज कर दिया ताकि थोड़ा सा स्मोकी लुक आए। देन यहाँ पे मैंने लैक्मे इंस्टा का आईलाइनर लिया है और इसे मैं अच्छे से एक छोटा सा, मतलब ज़्यादा विंग क्रिएट नहीं करूँगी, सिर्फ आईलाइट तक लगाऊंगी, बट जो इनर कॉर्नर है ना इसे मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ लेके आऊँगी और इस टाइप का, मतलब अपने आईज़ का शेप दूँगी जो कि बहुत प्यारा लगता है गाइस, आप ट्राई करके देखिएगा।
देन ये है NYBA के ब्लू काजल, ये भी काफ़ी अच्छा काजल है। देन मैं मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से एक शैम्पिंग सा शेड ले रही हूँ और इससे लिटिल फिंगर की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर ऑफ आईलेट पे दे रही हूँ। और ये जो आई शेडो पैलेट है इसमें से मैं डार्क ब्राउन शेड पिकअप की हूँ, देन इससे मैं कंटूर कर लूँगी, आई मीन ब्रॉन्जिंग कर लूँगी अपने चीक्स में, फॉरहेड पे एंड जो जॉ लाइन है वहाँ पे शार्प दिखाने के लिए। बहुत ही हल्का हल्का सा मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये डे टाइम मेकअप लुक है, सो इसलिए कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हल्का सा मैं अपने नोज़ को शार्प दिखाने के लिए मैं हल्का सा यहाँ पे नोज़ कॉन्टूरिंग कर ले रही हूँ। सो ये स्टेप मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ बट यह कर रही हूँ। ये है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, ब्लशर हाइलाइटर, इसे मैं एज अ ब्लश हाइलाइटर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और इसमें हर एक शेड को मैं मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। देन मैं हाइलाइटर के लिए एक और ये यूज़ कर रही हूँ, ये है स्विस ब्यूटी का पैलेट है ये भी। सो इसे मैं अपने नोज़ में, आप देख रहे हैं कितना सटल सा ग्लो प्रोवाइड किया है गाइज, मतलब माई फेवरेट हाइलाइटर है ये। सो यहाँ पे मैं हल्का फुल्का सा मैं हाइलाइट कर दूँगी अपने चिक बोन को, तो ये बिल्कुल मैट लुक होने वाला बट हल्का सा ग्लो तो सभी को चाहिए रहता है ये फॉरहेड पे, देन नोज़ पे, चिन पे, तो ऑल ओवर द फेस जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग है, आईब्रोज़ जो हमारा रहता है उसमें अच्छे से मैं यहाँ पे करती हूँ। देन ये जो हमारा लुक है यहाँ पे तो कंप्लीट हो चुका है बट अभी लगाना बाकी है मस्कारा एंड लिपस्टिक। सो मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबरिन का मस्कारा, हाइपर कलर मस्कारा, बहुत अच्छा मस्कारा है गाइज, वाटर प्रूफ है, देन बहुत लंबे टाइम तक स्टे करता है। मैं कभी फॉल्सेस यूज़ नहीं कर रही हूँ तो दोनों आइज़ पे मैंने मस्कारा यूज़ कर लिया एंड ये आप देख रहे हैं अप्लाई करने के बाद कितने अच्छे से, मतलब ये लेंथिंग करता है हमारे लैसेस को। सो या सो ये मैंने एक पेंसिल, लिप पेंसिल यूज़ किया है, ये लैक्मे का है, देन इसका भी लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी बिकॉज़ ये लोकल मार्केट से लिया गया था, तो इसे मैंने अपने लिप्स पे फिल कर दिया और बीच का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा मैंने गैप रखा है। देन ये मैं यूज़ कर रही हूँ कुसन मैट लिपस्टिक इन द शेड CP3 और इसे मैं जो जिस प्लेस को मैंने मतलब फिल नहीं किया था अपने लिप्स के तो उसको मैं फिल कर दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से इफेक्ट देगा। और जो भी प्रोडक्ट के लिंक मुझे मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो या गाइज, ये इसमें फाइनल लुक, कमेंट में बताइएगा आपको ये लुक कैसा आया, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही एलिगेंट सा, बहुत ही सटल सा डे टाइम मेकअप लुक है बिकॉज डे टाइम में ऐसा कुछ हैवी हैवी अच्छा नहीं लगता, नाइट टाइम भी ज़्यादा बेटर लगता है। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू। सो ये जो साड़ी है वो बंगाली प्योर सिल्क साड़ी है और इसके साथ आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा। इसमें आप ब्लैक बिंदी भी कैरी कर सकते हैं बट मैंने मैचिंग का किया है।